अगस्त के हवाले से मैं ये कहूँगा कि इस दफ़ा माशाल्लाह 14 अगस्त हमारा बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। रश कश भी आप देख रहे हो, लोगों के दिलों में जो जोश है 14 अगस्त का वक्त के सामने आप देख रहे हो। पहले तो मैं कई दफ़ा इधर आया इतना रश कश नहीं देखा जितना इस दफ़ा मैं देख रहा हूँ यहाँ पर रश 14 अगस्त का। बच्चों को भी आप देख रहे हो, बच्चे भी आए हुए 14 अगस्त मनाने के लिए। अल्लाह पाक ने इनके दिल में 14 अगस्त का जो जोश डाला है, अल्लाह पाक इस मुल्क को हमारे लिए ऐसा करे कि हर साल हमारा 14 अगस्त इसी तरह गुजरे। इस साल तो 14 अगस्त माशाल्लाह पिछले साल की नस्बत जोश व खरोश से मनाया जा रहा है और रश भी बहुत ज़्यादा है इस साल। पिछले साल की नस्बत अगर देखा जाए इस साल रश बहुत ज़्यादा है और आवाम जोश व खरोश से घर से बाहर निकल के सामान लेने आ रही है और हिब्बुल वतनी अपनी दिखा रही है। जैसे कि हम ये कहेंगे कि बहुत अच्छी है, अच्छी बात है, 14 अगस्त मनानी चाहिए हर पाकिस्तानी को, चाहे कोई भी हो, पाकिस्तानी को मनानी चाहिए। 14 अगस्त के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस दिन अल्लाह पाक ने हमें एक बहुत बड़ी नेमत से, अल्लाह पाक ने आज़ादी जैसी नेमत से अल्लाह पाक ने हमें नवाजा और ये दुनिया में सबसे बड़ी जो है नेमत है। हम आस पास अपने पड़ोस मुल्कों में देखें कि वहाँ उनका क्या हाल है और अल्लाह पाक ने जो है हमें इस अजीम मुल्क पाकिस्तान से नवाजा। इस मुल्क में हम आज़ादी के साथ अपने इबादत कर सकते हैं और अल्लाह आज़ादी के साथ कर सकते हैं और अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसके जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है और इसका कदर किया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अमन के हवाले से अल्लाह पाक का शुक्र है कि हम अमन के हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेज और तमाम उनके अल्लाह के फजल से उनके जो है हमारे साथ तआवुन है और यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं गेमी है बाज़ार में और सब तमाम खुश हैं भाई और बच्चे वगैरह बैजेज़। मैं भी अपने बच्चे के साथ आया हूँ, बैजेज वगैरह इस 14 अगस्त को सेलिब्रेट करूँगा इंशाल्लाह बड़े आज़म के साथ। 14 अगस्त माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, पाकिस्तान का आज़ादी का दिन है, हम लोगों को आज़ादी मिली है, पाकिस्तान की खुशी है। इंशाल्लाह 14 अगस्त को बहुत दिल और जोश और जज्बे के साथ मनाएंगे, इंशाल्लाह मनाएंगे। और तमाम अहले वतन अहले पाकिस्तान वाले को जितने भी बाहर है सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत 14 अगस्त मुबारक। आएगा इसे आगे ही पाएगा।